उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जेलों में बंद बंदियों और कैदियों के बच्चों को शिक्षा दिलाना उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है। बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रदेश की सभी जेलों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में बच्चों के लिए पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़ सकें। अगर कोई महिला चाहती है कि उनका बच्चा बाहर पढ़ने जाए तो उसकी भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। मंत्री, किस तरीके से आज जेल में महिला फाउंडेशन जो देखिए कल्याण फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ महिलाओं को जो कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है और जो महिलाओं ने उत्कृष्ट काम किए हैं उन 5 महिलाओं को पुरस्कार देने की इनकी योजना थी और महीनों से कार्यक्रम की योजना थी, लेकिन मेरे पास समय का अभाव था। आज कल लखनऊ से आना हुआ, फिर आज माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी का जन्मदिन था, मैं दिल्ली उनको बधाई दे करके जन्मदिन मिल करके और यहाँ तुरंत सीधा यहाँ ही आया हूँ। और मैंने देखा है कि महिलाओं के जो बनाए हुए आइटम हैं बहुत ही सुंदर हैं, और जैसे मैंने और भी कई जेलों में देखा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की कि बहुत सी जेलों में शिल्पकार हमारे कैदी हैं, उनकी प्रतिभा 4 दीवारी के बंद है, 4 दीवारी के बीच वो बाहर आए और बाहर आम जनता भी देखे कि कैदी भी क्या क्या बनाते हैं। कई जेलों में पेंटिंग, इतने पेंटर हमारे कैदी इतने बढ़िया है, ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई है। लखनऊ में मैंने देखा दीवार पे एक पेंटिंग बनाई है, वो ऐसा लगता है उभर के आ रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एमई के साथ बात करिए, हम लोग बात करेंगे। और उसी दिन से सभी उत्तर प्रदेश की जनपदों में एमई के माध्यम से ट्रेनिंग की व्यवस्था हो रही है और मार्केटिंग की व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं। सभी जेलों में हमने निर्देश दिया है कि जहाँ जगह है जेलों में वहाँ आउटलेट की व्यवस्था हो, और महिला हों पुरुष हों उनके द्वारा अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उस आउटलेट पर रख करके जनता के बीच में लाया जाए। और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप इसमें सहयोग करेंगे तो हमारे महिला पुरुष बंदियों का जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं जनता के बीच में आपके माध्यम से जाएगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और कुछ उनका इनकम का स्रोत बढ़ेगा, ऐसा मेरा अपना विचार है। हाँ, एक बच्ची का जो 6 साल की थी, मुझे कल हमारे जेल के अधीक्षक ने बताया कि एक बच्ची है सर और वो 6 साल की राधिका, उसका जो है जन्मदिन है। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और बच्चे के लिए हमारे इन महिला कल्याण फाउंडेशन के माध्यम से इन्होंने जो बच्चों को कपड़े दिए हैं, 2 जोड़ी कपड़े और मिठाई मैं भी लेकर के आया हूँ। और ये मेरा जो है ये दूसरे बच्चे का जन्मदिन है जिसमें जेल में मैंने मनाया है। पहला बच्चे का मैंने एक मुजफ्फरनगर में मनाया था, यहाँ एक दूसरा बच्चा है जिस बच्ची थी इसका मैंने जन्मदिन मनाया। और मैंने कहा है कि ऐसा कोई अवसर मिले तो उन बच्चियों के जन्मदिन में मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि परिवार से दूर जब बच्चे का जेल में जन्मदिन मनता है तो उस माँ का हृदय द्रवित होता है कि मेरे परिवार का आज कोई मेरे बीच में नहीं है, तो मैं उनके परिवार का बनकर के बच्चों का आज कोशिश रहेगी कि मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान। हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा, ओढ़नी, बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी, पूजा मार्केट, तिलक द्वार, मथुरा।